यार सच में ही आज कुछ होने वाला है, बहुत ही खतरनाक वाला। ये देखो हमारी छत में पूरा पानी भर गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग आज रात के 12 बजे से। नहीं गाइस, दिन के 12 बजे से। आज गाइस जिंदगी में पहली बार ऐसा मौसम देखा है, दिन के 12 बजे रात के 12 बजे जैसा हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कैसा हुआ है। मैं फ्लैश से लाइट वो कर रहा हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा, लाइट भी नहीं है। गाइस इसी को देख के मानसी और मैं चौंक गए हैं कि हुआ क्या है। गाइस ये गाइस कब से तूफान आ रहा है पर कुछ दिख नहीं रहा है बाहर। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको आंगनबाड़ी भी खुली हुई है। ले दिया फोन उनका, मैं उनके फ्लैश से ही बना रहा हूँ आंगनबाड़ी। और टाइम दिखाता हूँ आपको ये क्या हो गया। गाइस बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। तो गाइस 12:57 हुए हैं, आंगनबाड़ी से फ़ोन लाई थी कि ये लो दे दिया। और बारिश आने लग गई है गाइस, कुछ दिख नहीं रहा है अभी। गाइस सुबह मैं सच में मैं खुद आश्चर्यचकित था। गाइस मुझे नींद आ गई थी, मैंने सोचा कि रात हो गई है, पर जैसे मानसी ने मुझे उठाया ना मैं खुद ही डर गया था कि ये हुआ क्या है अचानक से। अभी मानसी मुर्गियों के लिए खाना रख रही है गाइस, इसके बाद छत में चलेंगे। अभी छत का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, वो भी आश्चर्यचकित है। रैबू तो डर गया, उसने पहली बार ऐसा मौसम देखा है। गाइस ऐसा मौसम पहली बार देखा है मैंने कि दिन में हमें फ्लैश की ज़रूरत पड़ रही है और सब अंधेरा हो गया हो। पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ हुआ है यार, आज कहीं सूर्य ग्रहण तो नहीं है? आज ही होगा भाई, इतना अंधेरा हो ही नहीं सकता। नहीं तो सब नॉर्मल है गाइस, बस ऐसा पूरा सुबह का नज़ारा ही बदल गया। बारिश आ रही है अभी बहुत तेज़ और तूफान भी आ रहा है। मैं अभी ड्यूटी से आया था और थोड़ी देर लेटा था, मुझे नींद आ गई। अभी मैं जा रहा हूँ आपको छत का नज़ारा दिखाने, बहुत ही खतरनाक। ये देखो हमारा मंदिर में दिया जल रहा है अभी तक। मानसी मंदिर में दिया, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ से अंधारी। और गाइस थोड़ा सा मौसम खुल गया है, हल्का सा दिखने लग गया है बाहर। देखो गाइस यहाँ भी बारिश चले जाएगी इसलिए इसको नीचे कर देते हैं। ये देखो कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। गाइस ये क्या हो रहा है यहाँ, तो बहुत ही तेज़ तूफान। देखो सारी चीज़ें उड़ने लग गई हैं। यहाँ से भाग लेता हूँ मैं पहले ही, कहीं कुछ गिर ना रहे मेरे सर में। चलो गाइस मैं वापस चल रहा हूँ, जा रहा हूँ क्योंकि इससे दिक्कत आएगी हमारे यहाँ मंदिर में। सारे कपड़े वपड़े मानसी ने उठा दिए हैं, अभी अभी दिखने लग गया हल्का हल्का। देखो गाइस जैसे बारिश शुरू हुई ना हल्का हल्का दिखने लग गया, पर तूफान तो गाइस आज सब तोड़ के ही मानेगा। ये देखो ओ माय गॉड मानसी, आज सब पेड़ वेड़ उठते हैं ऊपर देख के। आ तो गाइस ये तो सही हुआ, मैं सही वक्त पे ड्यूटी से घर आ गया, नहीं तो आज मेरा हाल ख़राब होता। तो चलो अब मैं तो अंदर सो रहा हूँ गाइस। मानसी शायद बाहर दुकान का सामान वामान अंदर करने गई है, डब्बू भी अंदर बैठ गया है। ओहो रैबी को भी यहीं लाई है मानसी, ये भी बहुत डर रहा है गाइस, इसको नीचे लेके आ गई। चलो ठीक करा उसने, तो इसे यहीं सुला देते हैं थोड़ी देर। गाइस यार सच में ही आज कुछ होने वाला है, बहुत ही खतरनाक वाला मुझे तो लग रहा है। देखो कैसे अब बारिश हो रही है और कैसा तूफान चल रहा है। ओ माय गॉड, भगवान बचा ले कुछ ऐसा होना। ये देखो गाइस, ये देखो हमारे छत में पूरा पानी भर गया है। तो वहाँ से मानसी अभी खोलने गई है नीचे से। ये देखो क्या हो गया है गाइस, यार क्या हो गया है, ये पूरा भर गया है देखो अभी अभी। तो ये वहाँ से पानी निकलवा रही है, मुर्गियाँ भीग जाएंगी ना नहीं तो सारी। और ये पानी हमारे नीचे को आने का शुरू हो गया था, मैं बाहर चले जाता पर मुझे फिर से बुखार आ जाएगा। हाँ आ रहा होगा शायद, हाँ आ गया बहुत ही। तो गाइस ये देखो कैसे भीग के, तू हट तो पहले, कपड़े बदल जा, बीमार होगी जा। ये नीचे को ही कर दे पन्नी को, उनके अंदर चले जाएगा पानी सब। वो दूसरे वाले में सीटी आ रही पर उसमें नहीं आ रही। कौन
देखो गाइस अभी तो थोड़ा सा मौसम सही हो गया है। नहीं जा रहा हूँ मैं, छुप के गया हूँ। देखो कैसा लग रहा है, ये बहुत तेज तूफान आ रहा है गाइस। कहीं कुछ होना, कन्नूसु स्कूल आ जाए बस। ठीक है मैं जा रहा हूँ अंदर। तो चलो गाइस, डब्बू भी यहाँ आ गया, तभी मैं आ गया हूँ अंदर। तो बहुत डर लग रहा है, अजीब सा हो गया, बहुत खतरनाक मौसम गाइस। ऐसा मौसम पहली बार हुआ है। तो गाइस मानसी ने भी कपड़े चेंज कर लिए, ये भी भीग चुकी थी पूरी। मैं जा रही हूँ दुकान और अब मौसम बहुत ज़्यादा खुल गया, कम से कम आँख तो दिख रहा है। उस टाइम पे तो बहुत अंधेरा हो गया था, कितना उजाला हो गया, मौसम भी हल्का हो गया है और ओले पड़ रहे थे अभी तक, ओले इतने बड़े बड़े। गाइस अभी मैं आ गया हूँ बाहर मस्त करके, इतना मस्त मौसम हो गया अभी, पर फिर से बारिश आने लग गई। देखो कितना प्यारा लग रहा है, हवा फिर से चलने लग गई है और फिर से बारिश आ रही है। तो अंदर ही चले जाता हूँ, बाहर तो मौसम ऐसा ही है, बस अभी थोड़ा सा बारिश रुकी है। चलो मेरा खाना आ गया है, मैं खा लेता हूँ खाना, इसके बाद देखो बिस्तर लग गया है। मानसी का तो बरत ही है, ये तो खाना खाएगी नहीं, इसलिए मैं सो इसको खा के मस्त करके सो जाऊँगा। तो गाइस चलो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, अभी दिख तो कुछ नहीं रहा है, अभी भी अंधेरे हो रहा है। तो चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उठ के मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। तो गाइस स्टार्ट हो गया है ठंडा, आज से बहुत ठंडा हो रहा है। मैंने निकाल ली है जैकेट। चलो थोड़ी देर हम क्रिकेट खेलते हैं यहाँ है। ये लड़ाई कर रहे हैं कि एक बॉलिंग मुझे दे और ईशा कह रही मेरी ड्यूटी जाना है, भैया कह रहे मुझे भी ड्यूटी जाना है। गाइस बॉल खो गई है, बॉल बोले पता नहीं मुझे क्या मिले। गाइस मानसी ने मुर्गियाँ खोल दी है यहाँ, अब थोड़ी देर बाद हम फिर भजन कीर्तन करेंगे। लाइट चली गई है, मुर्गी उर्गी सब बंद करके आ गए हैं हम अंदर। और ये देखो ये आटा गूंदने लग गई है, तो अभी मैं ढोलक की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर हम करते हैं भजन। यार लाइट आ गई है और बाहर तो आज दिन भर हवा ही है गाइस, बहुत तेज हवा चल रही है। मानसी भी बना दिए और ये देखो ये लोग भी आ गए और ये भी आ गया है। गाइस हम आ चुके हैं मंदिर में, तो चलो अब मंदिर में दिया ही जलेगा और हम करते हैं ढोलक ला गया हूँ, थोड़ी देर मानसी और मैं ही करते हैं गाइस आज थोड़ी देर भजन। गाइस मस्त करके पूजा हो गई है, अब हम खाना खाएंगे। चलो मेरा खाना आ गया है और गाइस मानसी ने भी आज मानसी खाना खाएगी, रोज रोज फलाहार कब तक रहेगी गाइस, मर जाएगी ये तो। ज़बरदस्ती खिलवा रहा हूँ गाइस इसे, तो चलो जल्दी से खा लेते हैं। तो गाइस चलो खाना तो खा लिया है, मैं तो मस्त करके जल्दी से सो रहा हूँ, पर अभी तक दुकान बंद नहीं करी है। कन्वेंशन लोग सब बंद करके आएंगे दुकान, मैं तो सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना भी है। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।